तो दोस्तों सबको प्यार से नमस्कार। तो हम आज बताने लगे चीज़ चिली की, जो रेस्टोरेंट में चीज़ चिली बन गार्लिक चीज़ बनता है उसकी कटिंग वगैरह कैसे होती है और कैसे बनता है। तो देख सकते हैं पनीर का शेप कुछ ऐसा होता है। पनीर को हम ट्रायंगल शेप में काट लेंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में। आपने कभी रेस्टोरेंट में देखा होगा इस तरह के पिज जाते हैं। तो उसमें हल्का सा ला लेंगे हम चिली पेस्ट और नमक को मिक्स करके अच्छी तरह इसको पनीर के ऊपर लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद उस पर थोड़ा सा क्रॉन फ्लोर डालेंगे। क्रॉन फ्लोर को अच्छी तरह उस पर मिक्स करके उसको फ्राई करने के लिए तेल में डाल देना। फिर हम एक कढ़ाई में ऑयल डाल के उसमें गार्लिक और जिंजर डाल के इसको भून लेंगे अच्छी तरह। अभी जिस तरह भूना जा रहा है देख सकते हैं आप, इसको अच्छी तरह भून लेना है, थोड़े से हल्के ऐसे ब्राउन कर लेना। ये देख सकते हैं जो प्याज है उसको पहले प्याज को बाद में डालना है। इसको भूनने के बाद इसमें डालेंगे आप ऑनियन ब्रीक चॉप, ये इसको गैस इसको भून के अच्छी तरह देख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम एक कप पानी सॉस के लिए, देख सकते हैं इसमें आ गया पानी ऐड हो गया। अब हम इसमें सॉसेज डालेंगे, ये आ गया रेड चिली सॉस, ये आ गया हमारा एरिकमेक पाउडर, तूत पाउडर आ गया। अब इसमें आएगा हल्का सा तूत पाउडर, उसके बाद थोड़ा नमक, ये आ गया हमारा मैगी सीजन, सिरका, सोया सॉस आ गया, गार्लिक देख सकते हैं सोया सॉस आ गया, हल्का सा केचप और थोड़ा सोया सॉस। ये देखो सॉस रेडी है हमारा। अब डालेंगे इसमें हमारे आएंगे पनीर जो है फ्राई। ये आ गया हमारे पनीर सॉस रेडी हो चुका है। ये आ गया हमारा पनीर, कुकिंग ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो आपको बताना कैसे लगी वीडियो और आपकी फेवरेट डिश कौन सी, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर